हेलो एवरी वन यू ऑल वॉचिंग आई स्पेसिफाइड इन दिस वीडियो आई एम गोन एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट कि मुरनाल पटेल सर की जो हैंड आउट है ना लगभग बारह सौ पेजेस की है उसको हम लोग रीड कैसे करेंगे अगर एक बार रीड कर लेंगे तो फिर उससे हम आगे कैसे फायदा ले सकते हैं ठीक है ना देखिए रीड करना इज नथिंग लाइक समथिंग दे हैव गिविन प्रोवाइडेड मुरनाल सर हैजॉट ऑलरेडी फिफ्टी सिक्स लेक्चर्स ऑफ देर एनी वन कैन रीड एनी वन कैन कैन गो वाइस विद दैट बट इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज द कंटेंट then how you should uh, move further how you should uh, make yourself comprehended with these things because like 1200 pages you will not uh, revise for any, any day i think and uh, the first and foremost thing that you should know ki dekho sabse pehle kya karna hai pehle to aapko highlighters decide karna hai अगर आपके पास hard copy है या soft soft copy है it doesn't matter आपके पास highlighters होने चाहिए दो दो तीन जैसे मैं क्या करता हूँ मान लो येलो को मैं रख लिया हूँ प्रिलिम्स के लिए और ब्लू मान लो या फिर स्काई ब्लू मान लो उसको मैं मेन स्केल रख लिया ठीक है ये करने के बाद इसके बाद हम लोग करेंगे क्या ये देखते हैं तो देखिए बेसिक क्या होता है जैसे मान लीजिए ये हमारा हाँ देखिए जैसे ये हमारा जो हो गया जी एस वन में इन्होंने इस तीन टॉपिक को मेंशन कर दिया है इकोनॉमी वाले पोर्शन में ही मोनाल सर ने जैसे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू ये पिलर सिक्स में मिल जाएगी आपको फिर पोवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू पिलर सिक्स में मिल जाएगी अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज आपको पिलर फाइव में मिल जाएगी तो इस तीनों को हम लोग बेसिक अगर हम इसको देखें तो आपको बहुत से बहुत मेन्स में यूज करने को बहुत ज़्यादा मिल जाता ही है ये ठीक है ना तो पिलर छः एंड पाँच आप मेन्स में यूज़ करोगे इसीलिए मैंने इसको ब्लू कलर से मार्क कर दिया है अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ हाउ यू विल गो टू दिस थिंग्स जैसे समझ लीजिए ये एक पोर्सन है मान लीजिए मनी वॉल्यूशन एंड टाइप्स दे रखा है तो कोई बच्चा भी आपको ये बता सकता है कि मनी जो हो, है पहले कॉमोनिटी मनी फिर मिटैलिक मनी फिर पेपर टोकन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिएट मनी लीगल मनी फिर बैंक मनी डिपॉजिट मनी एंड क्रिप्टो करेंसी तक जाएगा इतना तो आपको पता ही होगा क्रिप्टो करेंसी जो होगा वो एकदम रिसेंट वन है तो ये तो कोई भी जज कर लेगा ठीक है लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैंने पी लिखा है प्रलिम्स का फैक्ट लिखा है कि यहाँ ऐसे पी है इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मुझे प्रेलम्स के लिए कुछ डाटा लेना है तो मैं सबसे पहले इस पोर्शन पे आऊंगा और यहां से मैं पिलिम्स की रिवीजन करूंगा मुझे ऊपर मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है ठीक है टाइप्स ये सब पढ़ना ही नहीं है जैसे मैंने यहां पर मार्क किया जैसे बाटर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था मैसो पोटाम, पोटामियम ट्राइब ने यूज किया था तो इस ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट पीसीएस में चांसेस देर आर सम चांसेस कि ये पूछा जा सकता है तो मैंने उसको येलो से मार्क कर दिया जब मैं नीचे आया तो मनी का इवोल्यूशन है ना ये हो सकता है मैं कहीं कि, कि, किसी ना किसी मेन आंसर राइटिंग में यूज़ करूँ तो मैंने इसको ब्लू कलर से कर दिया स्काई ब्लू से सियान कलर कह सकते हो उसको अब यहाँ देखिए इंडो ग्रीक किंग्स एंड कुशांस किंग्स इस गोल्ड कॉइंस बट गुप्ता गोल्ड कॉइन्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर मतलब क्या हुआ कि कुशान और इंडो ग्रीक्स भी यूज करते थे लेकिन गुप्ता जो थे ना वो काफ़ी बेहतरीन तरीके के गोल्ड कॉइंस यूज करते थे इसी के तरीके से आप देख लो दिल्ली सल्तनत किंग ने सिल्वर तंका यूज किया था इसी टंका वर्ड से आया है तनखा ठीक है जो अभी आप लोग उठाते हो अगर इफ़ यू आर वर्किंग शेर शाह सूरी ने वर्ड लाया रुपया जो सिल्वर कॉइन को कहते थे अकबर ने मोहर की बात की तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको फिल्म्स में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगी तो मैंने अगर अब मुझे फिल्म पढ़ना है तो मैं इस पेज पर पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ूंगा इस पेज पर सिर्फ मैं ये पढ़ूंगा समझ रहे हो आप क्यों इधर से उधर रिवॉल्व करना मुझे जब मुझे पता है कि मुझे फिल्मस के लिए पढ़ना है अभी माय एग्जाम ऑफ फिल्म इज इन लास्ट इज इन वन मंथ माय मेंस इज़ फोर मंथ्स अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम सो व्हाई आई शुड लर्न रीड अबाउट मेंस आई विल गिव माई सेल्फ अ देन आई विल नोट विच कॉर्नर आई आई हैव टू रीड सीधी सी बात है बिल्कुल उसमें रिवॉल्व नहीं करना है आपको क्योंकि ये 1200 पेजेस की नोट्स है अगर इस तरीके से, से बना के रख लोगे ना तो मैं सच बताता हूँ फिल्म के लिए हार्डली 300 पेजेस पेजेज के कंटेंस फॉर्म मिलेगी आपको मेंस के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे पॉवर्टी हो गया इंफ्रा हो गया एक बार पढ़ लिए दो, बा, दो बार दो से तीन बार रिवाइज कर लिए उसके बाद तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो आप समझ सकते हो अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अब देखिए ये जो रिसेंट यूपीएससी ने पूछा है ना क्वेश्चन इकोनॉमिक केस में तो सर ने इसको पेपर में डाल दिया है मतलब पिलर वाइज डाल दिया है पिलर वन की बात कर ले मनी बैंकिंग फिनेंस एंड इंश्योरेंस अगर हम इसमें प्रिलिम्स की बात कर ले तो छः छ इस तरीके से क्वेश्चन 2016 में 25 ऐसे पूछ रखा है तो ये जो पिलर है ना मनी बैंकिंग एंड फिनांस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए ठीक है ना लेकिन मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने पी लिख के स्टार मार्क कर दिया है दैट इज़ इस पोर्शन को इस पिलर वन को अगर मुझे पढ़ना है तो मैं इसको प्रिलिम्स पर्पज से पढ़ूंगा ठीक है एन बाटर बिटकॉइंस सारी चीजों को ठीक है फिर हम लोग आते हैं बजट एफ सी जी एस टी एफ आर बी एम पे तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो पिलर वन हमारा फिल्म्स के लिए हो गया पहला पिलर वन देन जो सेकंड होगा ये इससे लेस्ट प्रायोरिटी होगा लेकिन अगर फिल्म्स पढ़ रहे हैं तो पिलर टू को उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे फिर इंटरनेशनल ट्रेड बी बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इन द किसी किसी एग्जाम में जैसे किसी पीसीएस के एग्जाम में आप देखोगे ये प्रिलिम्स पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं पिलर थ्री को रख दिया तो ये मेरा प्रिलिम्स का सिक्वेंस हो गया अब आगे देख लेते हैं पिलर फोर देखिए जी इन्फ्लेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये प्रिलिम्स प्लस मेन्स दोनों में आ सकता है आ नहीं सकता है, आता है ठीक है ये जो पोर्शन है ना ये यहाँ से ये मेंस का सेगमेंट है तो आप देख सकते हो मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ना के बराबर आए हैं ठीक है अब यहां देखो हम बात करते हैं जीडीपी इन्फ्लेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये प्रिलिम्स प्लस मेंस प्रिलिम्स में थोड़ा कम बट मेंस में इनकी कंटेंट देख लो आप 60 50 मार्क्स 65 मार्क्स 55 मार्क्स 60 मार्क्स तो प्रिलिम्स प्लस मेंस दोनों में ये चलेगा तो मैंने यहाँ पे प्रिलम्स प्लस मेंस लिख दिया मतलब अगर अब मुझे पढ़ना है तो प्रिलिम्स में पढ़ना है इसको मेन्स में पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये लेस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है सारे पिलर्स में जो छह पिलर्स है उसमें पिलर फाइव को मैं सबसे लास्ट में रख दूंगा ठीक है फिर एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये दोनों में पूछा जाता है पिलम्स में देख लीजिए आप फिर मेंस में सिक्सटी सेवेंटी फाइव एटी फाइव फोर्टी फाइव लेकिन मेंस में इसकी काफी ज्यादा प्रायोरिटी है तो मेंस की प्रायोरिटी अगर हम बात करें तो पिलर फोर पिलर सिक्स फिर पिलर फाइव एंड देन पिलर थ्री एंड पिलर पिलर थ्री समझ में आ रहा है तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होना चाहिए किस तरीके से पढ़ना है हमें हर चीज नहीं पढ़ना है कहाँ से क्या मार्क करना है किस तरीके से हमें एक्सट्रैक्ट करना है ये बहुत मैटर करता है ठीक है ना तो इस तरीके से ही पढ़िए थोड़ा सा आपको एक तो दूसरी चीज़ की हमेशा कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए आप किसी भी स्टेट पीसेस को दे रहे हो ना तो पी वाई की उठाओ देखिए क्या पूछ रहा है हो सकता है वहां से नबार्ड बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो हो सकता है इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो हो सकता है फाइव ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहे हो तो उसी पर्पज से उसी सेगमेंट को ज़्यादा ध्यान देना है इकोनॉमी इनकी बारह सौ की है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा है ये है वो है जिससे रिक्वायरमेंट है सर तो करंट अफेयर भी अपडेट कर देते हैं इसमें तो बिल्कुल ज़्यादा होगा ही करंट अफेयर के साथ वो इकोनॉमी सर्वे बजट सब सारे चीज़ को अपडेट कर देते हैं तो बिल्कुल अगर वो चाहे तो इस पेज इसको 800 हंड्रेड पेजेस कर सकते हैं लेकिन वो आपकी सुविधा के लिए हमारी सुविधा के लिए करते हैं तो बेसिक यही है मुझे तो इस पूरे की पूरे उनके हैंड आउट में सारी चीज़ें मिल गई हैं अगर आपको इसकी हैंड आउट चाहिए तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल लाइफ भी सिम्प्लीफाइड मैं, मैं वहाँ डाल रखा हूँ ऑलरेडी आप ले सकते हो ठीक है ना तो इस तरीके से पढ़िएगा ज़्यादा आसान रहेगा थैंक यू